नमो अहंतारम नमो सिद्धारम नमो आज्ञानम नमो वज्जायारम नमो लोये सवसाहुरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुतम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम प्रगटे निजन भव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लके नमो समय सार सेवको आचार्य योगेंद्र विरचित परमात्म प्रकाश दोहा 146 जैसे कोई चोर घर में घुस जाए और रत्न जवाहरात तो न लेवे मट्टी पत्थर उठा ले जाए तो क्या नुकसान उस पर कौन क्रोध करेगा कि देखो कैसा ही आदमी है रत्न जवाहरात तो ले नहीं गया मिट्टी पत्थर उठा लेगा। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं कोई जीव मूल जीव गुणों को तो ग्रहण न करे। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया इसलिए हम कह रहे हैं गुणों का तो ग्रहण न करे और अवगुणों का ग्रहण करे दोषों का ग्रहण करे गुणों का ग्रहण न करे तो वह उस मूल चोर की तरह है। उसके ऊपर कौन क्रोध करे बड़ा सुंदर दुआ है अवगुण ग्रहण मह तणई जय जीवन संतोष तोत सुख हिव हों इव मणिव चय रोष। हे भाई कोई जीव यदि अवगुण ग्रहण करके ही सुखी होता हो तो हो जाए अवगुण ग्रहण करके सुखी होता हो तो सुखी हो जाए भाई। क्या करे नाली का कीड़ा नाली में राती रहता है उसे वहां सुख लगता है गुलाब में कांटे भी हैं फूल भी हैं फूल को ग्रहण न करके कांटे को ग्रहण करे तो किसका दोष है और क्या न कभी कांटा चाहिए हमको तो कांटा ले जा। ऐसे ही यदि किसी की आदत अवगुण ग्रहण करने की भी है अवगुण ग्रहण करने में ही उसे संतोष होता है सुख मिलता है तो दूसरों के सुखों सुख के लिए सज्जन पुरुष अनेक कार्य करते दूसरों के सुख के लिए सज्जन पुरुष अनेक कार्य करते हैं। ये सड़क कार को बनवाई कुआ कार को बनवाया ये कपड़े कार को बांट रहे ये दवाइयां कार को बांट रहे ये विद्यालय कार खोल रहे कि भाई सब लोग पढ़े लिखे दूसरों के सुख के लिए लोग प्रयत्न पूर्वक अनेक कार्य करते हैं लेकिन कितना सस्ता कार्य है। यदि कोई अवगुण ग्रहण करके ही सुखी होता हो तो हो जाए इसमें हमारा क्या नुकसान है। यदि कोई अवगुण ग्रहण करके ही सुखी होता हो तो हो जाए
इसमें अपन क्रोध करने की जरूरत क्या है? अपन दुखी होने की जरूरत क्या है? एक बात पहले कही थी, देखो भाई, दुखी होना अपने को कमजोर बनाना है। ये मोह का परिणाम है जो दुख का वेदन करता है। दुख कहाँ है? स्वभाव में तो दुख है नहीं, पर्याय में दुख है। तो कौन सी पर्याय में? जो स्वभाव को भूलकर पर को अपना मानती है। पर द्रव्य में दुख है नहीं, स्वभाव में दुख है नहीं, इसलिए स्वभाव दृष्टि से देखने वाले जीव को दुख नहीं होता। मोह से दुखी होता है। ये ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे कोई मोह पदार्थ है और वो हमें दुखी कर रहा है। मोह कोई कर्म है, वो हमें दुखी कर रहा है। अरे मोह से दुखी होता है, इसको थोड़ा सा गौण कर दें। इसका प्रयोजन ये है कि पर को दुखी नहीं करता, पर से दुखी नहीं होता। मोह से दुखी होता है माने पर से दुखी नहीं होता। इतना समझाने के लिए ये कथन किया कि मोह से दुखी होता है, लेकिन अपने को दुखी मानना ये मोह है। सच बात तो ये है, मोह से दुखी होता है, ये भी एक कथन है। प्रयोजन परक कथन है कि पर के कारण दुखी नहीं होता। लेकिन सच पूछो तो, स्वभाव दृष्टि से देखें तो, भैया अपने को दुखी मानना मोह है। स्वभाव दृष्टि से देखें तो ये आत्मा त्रिकाल सुख स्वरूप है। सर्वांग सुख स्वरूप है। आचार्यों का करुणा परक उपदेश क्या हुआ? हे जगत के जीवो, तुम सुख के लिए भटको मत। अपने को दुख मान करके सुख के लिए भटको मत। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। अंतर्दृष्टि से देखो तो दिखे सुख स्वरूप है। तो सुख होता क्यों नहीं? कि अपने को आत्मा देखता कहाँ है? आत्मा सुख स्वरूप है ना, तो अपने को आत्मा देखे तब तो सुख हो। ये जीव एक क्षण भी आत्मा देखता ही नहीं है। कहता है आत्मा और मानता है शरीर। आत्मा की चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी और की बात हो रही है। आत्मा और शरीर को भिन्न बताता है, ऐसे लगता है जैसे किसी और को और से भिन्न बता रहे। बहुत अच्छी चर्चा है। अधिक से अधिक कभी प्रसन्नता कर देता। जो नहीं समझता दीर संसारी ही, वो तो अरे जिसका आत्मा आत्मा की चर्चा है, इससे क्या होगा? अरे भैया सोचो और समझो, इससे वही होगा जो तुम्हें इष्ट है। जो तुम्हें इष्ट है वही होगा। ये इष्टोपदेश क्यों है आचार्य भगवान का? जिनोपदेश कि जगत के जीवों को भी सुख इष्ट है और आचार्यों ने सुखी होने का उपदेश दिया है, इसलिए इष्ट है। कोई विषयों की रुचि वाले जीव को इष्ट न लगे, ये उसकी भूल है। जैसे पितृजर वाले को कोई मिश्री कड़वी लगे मीठी न लगे, जैसे पितृजर वाले को मिश्री कड़वी लगे तो मिश्री तो कड़वी नहीं हो गई। ऐसे कोई विषयों की रुचि वाले जीव को आत्मा इष्ट न लगे। आत्मा सुनते ही ऐसा न लगे कि ये मेरी बात है, मुझे ही पुकारा जा रहा है। कैसा मोह, विपरीत मोह, अज्ञान। देखो जो बच्चे का जन्म होने पर नाम रख लिया गया, उसको तो ये मानता ही मेरा नाम है भैया फलाने लाल, खुश हो गए।
पंडित जी ने हमें ना हमारा नाम ले दिया, हमारा हमको पुकार लिया और आत्मा कहकर के खुश नहीं हो रहा, आत्मा सुनकर के खुश नहीं हो रहा। इसका नाम वो है नाम ले लेकर के पुकारो तो सब खुश हो जाते, और आत्मा कहकर के पुकारो तो कोई खुश नहीं होता। उसका कारण ये है कि अपने को आत्मा समझा ही नहीं है। बहुत बड़ी नीरस बात है, बहुत कठिन बात है। कितने ही जीव, बहुत से जीव तो इसी में अटक निकल जाते। कितने ही जीव आत्मा की चर्चा को सुनकर के ये विचारते हैं बहुत अच्छी बात है, हित की बात है, लेकिन थोड़ी ऊंची बात है। हित की बात है लेकिन ऊंची बात है, बहुत अच्छी। लेकिन कोई आसन्न भव्य जीव आत्मा की चर्चा को सुन करके ये विचारता है ये मेरी बात है, मेरी बात है, ये आत्मा मैं ही तो हूं, कोई और थोड़ा ही है, और मैं आत्मा ही तो हूं और कोई नहीं हूं। विश्व में 6 द्रव्य हैं, कुंभ के मेले में 1,00,000 की भीड़ हुई लेकिन इस भीड़ में मैं अकेला हूं। अगर हम नहीं है तो हमें क्या मिलेगा ये बताओ। कुंभ के मेले में ज्ञान का भी कुंभ है ये शिविर में, हाँ, अगर हम नहीं है तो क्या मिलेगा हमें। आज व्यापार बहुत अच्छा चला बाजार में और हमारी दुकान पर कुछ माल नहीं तो हमें क्या मिलेगा। हमारी दुकान बंद है किसी कारण से तो हमें क्या मिलेगा। अरे भाई, अपना हित तो अपने को पहचानने से होगा। इसलिए स्वाध्याय का स्वरूप बार बार ये समझ लेना चाहिए। शास्त्र पढ़ना स्वाध्याय उपचार से कहा, शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ना ये स्वाध्याय, ये भी उपचार से कहा, स्वयं से स्वयं को पढ़ना ये स्वाध्याय। पढ़ना अर्थात जानना, खाना अर्थात जानना, सोना अर्थात जानना, चलना अर्थात जानना, आत्म स्वभाव को देखो, खाते समय क्या कर रहा है, जान ही तो रहा है उस भोजन को। इंद्रिय सुख की दशा पंडित टोटरमल जी ने बड़ी विचित्रता से कही, स्वयं ही इच्छा की थी अज्ञान से, काय के अज्ञान से, ये सुख बाहर है। कस्तूरी का मृग क्यों भटकता है जंगल में, विचारो, जाने ये सुगंधी कहां से आ रही है। अरे मूर मृग, वह सुगंधी कहीं से नहीं आ रही, वह सुगंधी तेरे भीतर है। जाने ये सुगंधी कहां से आ रही, दौड़ रहा है, भग रहा है, ढूंढ रहा है। ये सुगंधी के अगर ये समझ में आया है मेरी नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी से सुगंधी आ रही है, तो उस मृग का भटकना दौड़ना स्वयं ही शांत हो जाए, खड़ा हो जाए। कस्तूरी में आनंद तो लग रहा है उसको उस कर्म में, लेकिन जने ये गंध कहां से आ रही, जने ये गंध कहां से आ रही। भैया ये गंध कहीं से नहीं आ रही, ए मृग ये गंध तेरे भीतर से आ रही है, तू खड़ा तो हो जा। ये जीव ने नहीं समझा अनादिकाल से आज तक मेरा सुख मेरे में है, इसलिए विषयों में उपयोग भटकता है। ये जीव ने ये नहीं समझा कि मैं ज्ञानमय हूं इसलिए अज्ञानी बना रहा, मैं सुख स्वरूप हूं ये नहीं समझा इसलिए दुखी बना रहा। मैं प्रभु हूं, शाश्वत प्रभु हूं, अपनी प्रभुता से इस प्रभु हूं, ये नहीं समझा इसलिए जाने कहां कहां भटका। चलो जंगल में, चलो तीर्थों पर, चलो कहां। अरे भाई जहां है, आचार्य को अमृतचंद स्वामी कहते हैं, वहीं सिद्धत्व की स्थापना कर ले।
ये पराधीनता नहीं है कि तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा वहाँ आना पड़ेगा, या जहाँ है वही अपने को सिद्धत की स्थापना करके आज शुद्ध समान आत्मा देखेंगे तो वहीं सुखी हो जाएंगे। और यदि सिद्धत की स्थापना किए बिना अपने को सिद्ध स्वरूप देखे बिना चाहे कहीं जाओ दुखी का दुखी, पर द्रव्य के कारण पर क्षेत्र के कारण दुख थोड़ा ही होता है। कई बार सीधी वजह आती है, कोई बात करने लगता है अपना डिस्टर्ब हो जाता है, लौकिक में कहते हैं काय के कारण डिस्टर्ब हुआ, अपना उपयोग चंचल होने के कारण से डिस्टर्ब हुआ है। फिर उपयोग अपनी जीव को लगते ही नहीं सुख मेरे में। एक बात बताओ, कभी आपकी ये समझ में आया कि मैं स्वयं से समझ सकता हूं, मैं स्वयं से समझ सकता हूं, कभी समझ में आया? अब कोई समझाने वाला नहीं हो तो कैसे समझेंगे, कोई शास्त्र नहीं हो तो कैसे समझेंगे? नाना प्रकार से आप समझाते हो तो समझ में आता। अरे भैया समझ में आता है, समझने से समझ में आता है कि समझाने से समझ में आता है? आपको लगता है मैं स्वयं समझ सकता हूं, और जब स्वयं समझे तब जिनोपदेश निमित्त है, चाहे कुछ निमित्त नहीं है, भाषण किसी नेता के निमित्त नहीं होंगे, किसी नेता के भाषण निमित्त नहीं होंगे, किसी व्याख्याता के व्याख्यान निमित्त नहीं होंगे। कौन निमित्त होगा? जिनोपदेश, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन है वह स्वानुभूत। समझाया इसलिए समझ में आया कि समझा इसलिए समझ में आया तो वो निमित्त हुआ। कभी आपको लगता है बिना भोजन के मेरा पेट भर सकता है, सुखी हो सकता हूं? कभी सोचा? कभी सोचते ही नहीं। भूख लगी है भाई जल्दी ला कुछ ला, आज भोजन का व्यवस्था है। मैं बिना भोजन के भी सुखी हो सकता हूं, कभी सोचा? मैं समूह के बिना भी सुखी हो सकता हूं, कभी सोचा? अरे मैं स्वभाव से आनंदमय हूं कहना अलग बात है, आपको सात्विक रूप से कहा था मैं आत्मा हूं, ये वचन उद्गल है, मैं आत्मा हूं ऐसा विचार व आश्रव है पुण्य तत्व, मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभवन संबर तत्व है, मैं आत्मा हूं ऐसी लीनता व मुख तत्व है, निर्जय तत्व हो गया, और मैं आत्मा हूं इस आत्मा में आत्मा हूं ऐसे विकल्प के लिए अवकाश नहीं। आत्मा जीव तत्व है और आत्मा का कथन अजीव तत्व है, आत्मा का विचार व आश्रव तत्व है, और आत्मा का अनुभवन व संवर तत्व है, और आत्मा के अनुभवन की उग्रता विशेषता व निगरा तत्व है, और आत्मा के अनुभवन की अविच्छिन्नपना पूर्णता मुख तत्व। ले हो गया? कभी लगता है कि हम अकेले सुखी हो सकते हैं? ये मूलता ही तो जीवों को गृहस्थी में भगाती है, अकेले हम सुखी कहां हो सकते? पत्नी बिना कैसे सुख होगा, फिर बच्चे बिना कैसे सुख होगा, फिर पैसा बिना कैसे सुख होगा, फिर व्यापार बिना पैसा कैसे आएगा, और फिर पद प्रतिष्ठा बिना कैसे सुखी होगा? अरे सारे पदार्थ तुम्हारे विकल्प के अनुसार परिणमित हो जाए तो भी सुखी नहीं होगे। ध्यान रखना, केवली भगवान के ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है, लेकिन सुख अपने में से आता है, लोकालोक में से नहीं आता।
इसलिए विषय जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बच रहना, अभ्यास करना। हम तो आपको दृष्टांत देते हैं कई बार, एक कारीगर भी मिस्त्री ईंट लगाने वाला, वह भी ईंट एक लगाता है तो उसको ठीक करता सिर्फ साफ डाल कर दो, इकट्ठी सौ दो से नहीं लगा लेता, फिर उसके ठीक करता रहता हूं। एक कारीगर भी एक ईंट लगाएगा उसको ठीक करेगा सूत चावल डाल करके कंप्लीट, उसके बाद दूसरी ईंट लगाएगा। अरे भाई, ज्ञान बढ़ाने का उपाय मत करो, ज्ञान को सम्यक बनाने का उपाय करो। ज्ञान बढ़ाने का उपाय और सुनो और सुनो और सुनो, सुनते जाओ पढ़ते जाओ, सुनते जाओ पढ़ते जाओ, और ज्ञान को सम्यक बनाने का उपाय है ज्ञान को अंतर्मुखी करो। ज्ञान अंतर्मुखी नहीं होता तब तक ज्ञान सम्यक तो नहीं होगा। मिश्री के मिठास का सम्यक ज्ञान कैसे होता है मिश्री को चाखने से? नहीं। अगर मिश्री के मिठास का सम्यक ज्ञान मिश्री को चाखने से होता हो तो केवली को मिश्री का ज्ञान कैसे होता है, ये बता। वे तो मिश्री नहीं चाखते। मिश्री के मिठास का सम्यक ज्ञान भी मैं ज्ञायक हूं ऐसी अनुभूति से होता है, ज्ञायक के आश्रय से होता है। इसीलिए उस ज्ञान में तृप्ति है, उस ज्ञान में वांछा नहीं है कि मिश्री है तो बहुत बढ़िया। जो ज्ञान पर पदार्थों में अपनत्व और इष्टनिष्ठ की कल्पना करे वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जिस ज्ञान के होने पर पदार्थ अपने भाषित न हो, जिस ज्ञान में पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित न हो, उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। कल कहा था कि नहीं कहा था, ज्ञान किसे कहेंगे जिस ज्ञान में आत्मा मैं पने भाषित हो, शरीर भिन्न पने भाषित हो, रागादिक हेय रूप भाषित हो, धर्म आनंद रूप भाषित हो, धर्म ध्यान आनंद रूप भाषित हो, धर्म का साधन आनंद का कारण साधन भाषित हो, और मुक्त दशा आनंद रूप सुख रूप अक्षय आनंद रूप भाषित हो, संसार की चारों गतियां अनुकूल प्रतिकूल भले हो लेकिन दुख रूप भाषित हो, उस ज्ञान का नाम ज्ञान है। और शास्त्र पढ़ने से नहीं, स्वानुभव से, आत्मा के आश्रय से, शास्त्र सुनने से पढ़ने से नहीं। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जब ये कहा दर्शाऊं तो करना प्रमाण, तो अमृतचंद स्वामी ने निज वैभव के प्रकट करने के चार उपाय बताए। वहां मेरे निज वैभव कैसे प्रकट हुआ कि आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से और स्वानुभव। ये मेरे निज वैभव प्रकट हुआ, मैं निज वैभव से दिखा रहा हूं। लेकिन जब प्रमाण करने की बात आई तो चार प्रमाण नहीं कह दिए, तुम उसे स्वानुभव से प्रमाण करना। ये ग्रंथ रखा है, एक ग्रंथ आप रख लो और हम जो बांचे हैं उसमें मिलाते जा, तो वो तो मिलेगा, एक ही एडिशन है, एक ही पर, उसमें क्या बात है। एक ज्ञानी का उपदेश दूसरे ज्ञानी से मिला, आदिनाथ का उपदेश महावीर से मिला, मिले जाएगा, उसमें क्या है। एक अज्ञानी के अनंत मत हो सकते हैं लेकिन अनंत ज्ञानियों का तो एक ही मत होता है। ज्ञानियों की दृष्टि स्वभाव पर है, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अब उपदेश को उपदेश से मिला, आपने सुना और कोई बात समझ में नहीं आई तो बैठे गए, फिर जाकर के गांव पहुंचे तो अपने गांव के वक्ता से पूछा, भैया हम वहां गए थे पंडित, और वो पंडित जी ऐसा कह रहे थे, हमें समझ में नहीं आया, तो वो कह देंगे ऐसे है इसलिए हम, उन्होंने शुद्ध नय से कहा जा, तुम अशुद्ध नय से देख रहे थे इसलिए समझ में नहीं आया, उन्होंने स्वभाव में कहा था तुम संयोग से देख रहे थे इसलिए समझ में नहीं आया, स्वभाव की समीप जाकर के देखो तो समझ में आया कि हाँ बात तो ठीक है।
तो ज्ञानी का उपदेश ज्ञानी से मिल ही जाएगा, आगम आगम से मिल ही जाएगा। और जो स्वयं सिद्ध है वह तर्क से युक्ति से सिद्ध हो ही जाएगा, इतना पर्याप्त नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, माने स्वानुभव से प्रमाण करना, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, आराधक ही प्रभावक होता है। कुंज कुंज स्वामी ने प्रभावना के लिए क्या किया ये बताओ, अकलंक देव ने प्रभावना के लिए क्या किया, समंतवत स्वामी ने प्रभावना के लिए क्या किया, आराधक ही प्रभावक होता है। आराधना आत्मा को उत्कृष्ट बने भाया और आनंद का वेदन हुआ। जब वह आनंद के वेदन की दशा नहीं ठहरी, विकल्प आया, तो उसी प्रकार से कहने का भाव आ गया, तो उपदेश हो गया, लिख दिया, सो शास्त्र रचना हो गई। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, ये सहज का मार्ग है। तत्व भी सहज है, तत्व की प्राप्ति भी सहज है। तुझे अगर सहज नहीं लग रही है तो तेरी दृष्टि बाहर है, दृष्टि विपरीत। जीवन चला जाएगा, आत्मा तो जाएगा नहीं, जीवन चला जाएगा, दूसरे जीवन का प्रारंभ हो जाए। बहुत पुण्य के उदय से आकर के यहां बैठ पाए अपन, ये जिनवाणी सुहा पाई। बहुत लोगों को दुकान में मन लगता है, जिनवाणी मन नहीं लगता। विकथाओं में मन लगता है, जिनवाणी मन नहीं लगता। ये बहुत बहुत ये समझो पात्रता है, कथायों की मनता है, पुण्य का उदय है, जो जिनवाणी सुहा रही है आपको। आयुर्वेद में अगर पित्त कुपित हो जाए तो जो पियो उल्टी हो जाए, जो पियो से उल्टी हो जाए। अब ये रोग मंद होने का उपाय लक्षण क्या है कि पानी पिया और पच गया, बस समझ लो आप ठीक होने लगे। जिनवाणी सुहा जाए ये समझ लो आप ठीक होने का लक्षण है, ज्ञानी होने का समय आ गया। अगर निकटवर्ती नहीं होगा तो सुहाएगी नहीं, सुनेगा तो सुहाएगी। कर्म रसो जब जानिए जिनवाणी न सुहाए, ठीक है। अरे कई बात है, क्यों भाई, मां का दूध और डिब्बे का दूध एक ही बात है। उस बालक से पूछो, मां का दूध और डिब्बे का दूध एक ही बात है, तुम भी बालक रहे होगे। डिब्बे के दूध में चाहे कोई घोल करके उसको दे दी, शीशी मुंह में पकड़ा दी, वो चूस लिया, लेकिन मां का दूध क्या समझते हो, परफेक्ट। जितनी शक्ति है उतना ही निकलेगा, उतना ही उसका आयतन है। ऐसे कौन से विटामिन है जो भैंस के दूध में नहीं और मां के दूध में है। बात्सल्य का विटामिन है, बात्सल्य है उसी। मां ने दूध पिया है और फिर पचा है, फिर बालक के लायक दूध बना है। ज्ञानी का उपदेश मां का दूध है, लौकिक उपदेश सीसी के दूध है। भर दिया और बस चल खत्म मामला, भर दिया और चल खत्म मामला। हम कौन अपने घर की कह रहे हैं, सास में लिखी, अरे घर की तो कह रही है और का सास की कह रहे हैं। हाँ अभिमान से नहीं कह रहे, जीव को सुख इष्ट है, जीव सुख चाहती है सारे ही, और जिन्हें अपना सुख नहीं दिखता अपने में उनको पर में सुख दिखाई देता है, पर में सुख दिखाई देता है तो राग होता है, और सुख में बाधक दिखाई देता है तो द्वेष होता है, खत्म मामला।
राग मिटाने का सीधा उपाय है, अपना सुख अपने में देख लो, सारे पाप मिट जाएंगे, सारे राग द्वेष मिट जाएंगे, सारे विकल्प मिट जाएंगे, जो कुछ मिटने लायक है सब कुछ मिट जाएगा, और जो कुछ होने लायक है सब हो जाएगा, अपना सुख अपने में देखो। अपना सुख अपने में है ऐसा निर्णय होने पर समस्त की पात्रता आती है, और अपना सुख अपने में है ऐसा अनुभवन होने पर सन्नत होता है। कहते हैं हम भीतर है और मानते हैं बाहर, कहते कुछ है भी मानते कुछ है, ये मानता में और कहने में अंतर बदलना चाहिए। आचार्य योगेंद्रदेव कह रहे हैं योग सार में छंदव मायाचार में, हे भाई इस मायाचार को छोड़ो, तुम्हें विश्वास है हम आत्मा है, अगर नहीं है तो तुम्हें अगर विश्वास नहीं है मैं आत्मा हूं तो किस बल से कह रहे हो हम आत्मा है। कई दोहों में टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य ने कहा ऐसा उपदेश निर्ग्रंथ को सोखता है परिग्रह शक्त को नहीं सोखता, क्यों कि कहता है निर्ग्रंथता में सुख है और मानता है परिग्रह में सुख है, परिग्रह के बिना सुख की कल्पना भी नहीं होती कभी जीव को। भैया जरा उस कमरे में चले जाना आप, वो फलानी चीज जाना अकेले कव को संग मिल दे, मैंने अकेले के नाम से डर लगता है जैसे कोई खा जाएगा, जबकि एकत्व ऐसा तत्व है जो एकत्व तत्व को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आत्मा अकेला है लेकिन अभूला नहीं है, असहाय नहीं है, लेकिन अकेले के नाम से डर लगता है, ए भैया अब अकेले ऐसी कितनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी। एक लड़की है 20 वर्ष में विवाह हुआ और 21 वर्ष में विधवा हो गई, अब वो लगता है बूढ़े बूढ़े लोगों को लगता है अब अकेले इतनी जिंदगी कैसे कटेगी, इसका दूसरा विवाह कर दो, जिंदगी विषय भोगों से कटती है, कैसे कटेगी हम बताएं आपको, सुनो अगर संकलेश परिणाम करेगी तो दुख से कटेगी, मरे को याद कर करके रोएगी और दुख, और दूसरे पर मन चलाएगी तो दुख से कटेगी, और तत्व ज्ञान का अभ्यास में लगाएगी और आराधना प्रभाव में लगाएगी आनंद से कटेगी। हमने देखी है पुरानी महिलाएं कई विधवा हो गई, वे अपनी पाठशाला पढ़ाने लगी, अब बस बच्चे घेरने लगे उनको और पाठशाला में उनको बस उनको यही नहीं पता जिंदगी कैसे कट गई, सारी जिंदगी आनंद से कट गई लौकिक में भी। आज भाई की तबीयत खराब हो गई, बच्चा आए कहे चाची का आवाज है बेटा आज बुखार आएगा, अपने आप बच्चा दौड़ के आ गया कि नहीं आ गया, बुखार आएगा तो एक काम कर हम अपनी अम्मा से काढ़ा बनवा ले, वो काढ़ा बना करके ले आए और भाई काढ़ा पी लो, ये और अब क्या लेगी हम दीदी को बुला रहा था भाई बना देंगे आपके लिए, आप तो बना नहीं पाए आज उठोंगे नहीं, खिचड़ी ले लो दलिया ले लो सब्जी ले लो रस ले लो, हमने करवा ला था हम ला रहे, सारी जिंदगी आनंद से कट गई, एक नहीं 50 दस जानते हैं कम से कम। आरा भाई भी छोटे से विधवा हो गई, चुराजा भाई भी छोटे से विधवा हो गई, और क्या काम किए उन्होंने, पूरा आश्रम खोल दिया महिला आश्रम, उन्होंने पूरा बणी जी को पाल लिया और बस कभी लगाई नहीं है बच्चे नहीं है पति नहीं है फलाना नहीं है, अरे आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, ये समझ लेना। लेकिन ये लगता है इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी, फिर मुझे स्वयं को यह लग रहा है विषय भोग के बिना सुख नहीं होता, और कह रहा है विषय भोगों में सुख नहीं है, अब का मतलब रहो, मतवाला माता को माता कहे तो सयाना थोड़ी हो गया,
आत्मा में सुख है ये समझ में आए तब विषयों में सुख नहीं है और कहीं सुख नहीं है ये समझ में आएगा और तब अपनी परिणति विरक्त होगी, वास्तव में विरक्त होगी। बड़ी सुंदर टीका में चर्चा आई है इसी ग्रंथ में, वैराग्य हो तो थोड़ा सा ज्ञान भी कार्यकारी है और बिना वैराग्य का बहुत ज्ञान हो, बहुत शास्त्राभ्यास हो, कोई भी कार्यकारी नहीं। शास्त्र अपने को जानने के लिए पढ़े जाते हैं, शास्त्र अपने को समझने के लिए समझे जाते हैं, और शास्त्र पढ़ करके भी यदि अपने को नहीं आना तो क्या किया तुमने? विचार करो, भगवान अपने में लीन थे कि शास्त्र में लीन थे? तब उन्हें केवल ज्ञान हुआ। चलो जब भी केवल ज्ञान हुए तो शास्त्र देख देख करके बोल रही थी कि सर्वांग से दिव्य ध्वनि खेल रही थी। उसके बाद फिर गर्दर आदि हुए, उन्होंने शास्त्र की रचना की तो कहां से की? और फिर कितने दिन तक मौखिक परंपरा चलती रही, ना तुम्हारे सामने शास्त्र ना हमारे सामने शास्त्र। वे आत्मा को देख करके बोल रहे, वे आत्मा को देख करके प्रमाण कर रहे, और कितने ही श्रावक हो गए, कितने ही मुनि हो गए, कितने ही दीक्षा ले ली, किसी ने नियम ले ली, किसी ने मूल गुण ले लिया, किसी ने सम्यक्त हो गया। ये पुराण पढ़े होंगे आप, ऐसा प्रभाव ऐसी प्रभावना हो गई अपने आप, कैसे हो गई? सोचो विचार करो। आचार्य भगवान बीच में एक मनोविज्ञान है, मोह की दशा है, थोड़ी सी राग की दशा है, अनुकूल होने पर हर्ष होता है, प्रतिकूल होने पर विषाद होता है। आज मन नहीं लग रहा, आज मन अच्छो देंगे, आज मन अच्छा, ये मोह की दशा है, अज्ञान की यही दशा, अज्ञान में यही होता है। लेकिन भाई अगर तुझे कहीं ना रुस्सा हो, कहीं ना अच्छा लगता हो तो एक बार अपनी ओर देख, मोह की एक दूसरा भी लक्षण है, जो अच्छा लगता है वह अच्छा नहीं है और जो अच्छा है वह अच्छा नहीं लगता। एकत्व अच्छा है, वह एकत्व अच्छा नहीं लगता, भीड़ अच्छी नहीं है वो भी अच्छी लगती। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वानुभव ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा और इंद्रिय ज्ञान अच्छा लग रहा। अतीन्द्रिय सुख की खबर नहीं है, इंद्रिय सुख अच्छा लग रहा, दुख अच्छा लग रहा, दुख भी अच्छा लग रहा। हाँ, दूसरों का दुख अच्छा लगता है, तीव्र कसा है जो दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, दूसरों के दुख में सुखी होते हैं वे तीव्र कसा ही है। अब मजा आया, तुम्हें क्या हुआ? आर ध्यान से पाप बंधा। अरे भाई मजा तो तब आए जब अपनी ओर देखे, अपना स्वरूप का अनुभवन करे। जिस अवगुणों के सुनने पर जीव को क्रोध होता है अज्ञानी को, ज्ञानी उसके सुनने पर भी क्रोध नहीं करते। अरे क्रोध करते नहीं, क्रोध होता नहीं, क्या होता नहीं? काय के बल से? स्वानुभव के बल से तो हो ही रहा है, लेकिन इस चिंतन के बल से। कौन सा चिंतन? कि एक चोर घर में घुसा, उसने रत्न जवाहरात तो ग्रहण नहीं करे, मट्टी पत्थर चार छह खंडे भंडे उठा लेगा, क्या हाल है यार? ऐसे ही ये अज्ञान रूपी चोर घुसा और उसने गुण तो ग्रहण नहीं करी, गुणों का भंडार समूह द्रव्य है कि अवगुण का भंडार? गुणों का भंडार है, गुणों का समूह है। वो गुण तो ग्रहण नहीं करे और वहां भी अवगुण ग्रहण किया, बात तो ठीक है लेकिन है तो कठिन है, रूखी है, अध्यात्म रूखा होता है, अवगुण ग्रहण कर लिया उसने। अध्यात्म और विषय जैसा सरस विषय दुनिया में नहीं,
अध्यात्म रस जैसा रस नहीं है, ये तो विषयों का रस भासता है, इसलिए ये नीरस लगता है। ये तेरी भूल है, वास्तव में विषयों का रस रस नहीं है, उसके होने पर भी जीवन सरस नहीं होता। अध्यात्म का पान करने वाले का जीवन सचमुच सरस है। मिश्री को मीठा करने को जैसे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी सुख बिना विषयों के सुख लगता है। हाँ सुख स्वाश्रय से ज्ञानी हो, स्वाश्रय से सुखी हो, ये क्षयस्तम बढ़ाने के लिए नहीं है, ये अनाज काल की अपने भूले हुए स्वरूप को पहचान कर सुखी होने के लिए है। जिनवाड़ी मिलना बहुत पुण्य का उदय है, उपदेश मिलना बहुत पुण्य का उदय है, लेकिन उपदेश सुहाना ये अंतर के चिंतन का कार्य, और सुहाने पर सत्य भाषित होना ये पुरुषार्थ का कार्य है, स्वानुभव का कार्य। विचारना या वाणी के ज्ञान के सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा एक हूँ दो महान जय की जय हो।